फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना वीडियो बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं काइन मास्टर को यूज करके। तो दोस्तों, हम इसके लिए पहले जाएंगे गूगल पर। हम गूगल पे टाइप करेंगे ताजमहल, या फिर जो आपको अपना बैकग्राउंड लेना है वो भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ताजमहल की फोटोज आ जाएंगी। हम उनमें से हमको जो चाहिए बैकग्राउंड के लिए, हम उसको ओपन करेंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे काइन मास्टर पर और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हम पहले जाएंगे इमेजेस पर और इमेजेस में हम कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, हमने ग्रीन लिया है। उसके बाद हम मीडिया पर जाएंगे। उसके बाद हम ताजमहल की जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऊपर जाना होगा, ऊपर आपको अपना स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको ताजमहल की फ़ोटो दिख जाएगी। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करके उसको क्रॉप करना होगा, जिसके हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो में, मतलब आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद आप इसको साइज़ इसका बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेट कर देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद मीडिया पर जाएंगे और जो आपकी वीडियो है आप उसको, उसमें ऑप्शन आएगा वीडियो का, तो आप उस पर जो आपको वीडियो उसमें लगानी है आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिया और ये ग्रीन बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। उसके बाद हम जाएंगे क्रोमा की पर। उसके बाद हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये हो गया है, वो साइड में थोड़ा सा इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि मैंने क्रॉप नहीं कराया ना, आप क्रॉप भी कर सकते हैं अपना फ़ोटो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।